हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद गुड़िया। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुलाब जल बनाने बहुत ही 100% शुद्ध तरीके से। जो भी मार्केट का मिलता है फ्रेंड्स, वो शुद्ध नहीं होता, उसमें वाटर मिनरल वाटर मिला होता है और उसमें खुशबू डाली रहती है रोज की, और वो पूरी तरह से काम भी नहीं करता है। आप उसको चेहरे पर लगाइए चाहे किसी भी चीज में यूज करिए। इसलिए मैं चाहती हूँ आप घर पे बनाइए और मेरे तरीके से प्राचीन विधि से बनाइए। मैं 100% आपको बता रही हूँ कैसे बनेगा। तो ये जो मार्केट का मिलेगा आपको रिजन नहीं मिलेगा, इसे जब भी आप लगाएंगे तो ये आपके चेहरे पे नुकसान ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ एकदम प्राचीन विधि से, एकदम शुद्ध और कम समय में और कम पैसे में आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए फ्रेंड मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको सभी चीजें घर पे ही बताऊंगी कि कैसे तैयार कर सकते हैं आप। मार्केट की महंगी महंगी चीजें आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले चाहिए फ्रेश गुलाब चाहिए आपको, और आपको ये चाहिए कांच का कंटेनर, और आपको तीसरी सामग्री चाहिए ये सुई, धागा और कैंची। तो फ्रेंड्स ये जो गुलाब है आपको अपने जार के हिसाब से ही लेना है। मेरे पास ये जार छोटा है तो मैं इसके हिसाब से, मेरे पास ये 8-9 गुलाब ही थे तो उसमें इतने ही गुलाब एडजस्ट हो पाएंगे, इसलिए मैं इतने ही गुलाब ले रही हूँ। आपके पास अगर बड़ा हो तो आप और गुलाब ले लीजिएगा तो ज्यादा मात्रा में तैयार होगा वो। तो चलिए आपको बताते हैं आपको करना क्या है। तो आपकी सभी डंटियों को, ये गुलाब की ये जो डंटियां निकली हैं इनको सभी को काट लेना है ऐसे ऐसे। डंडिया नहीं रहनी चाहिए, इसको ट्रिम कर लीजिए ऐसे आप। अब आपको क्या करना है, सुई में धागा डालना है। ये देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। ज्यादा इसको बड़ा नहीं रखना है, बस 2 बित्ता से, और इसके आप लास्ट में नाट लगा दीजिए। ये देखिए, तो आपको जो ये गुलाब है इसको क्या करना है, इसके सारी पंखुड़ियों को तोड़ लेना है ऐसे। सारी पंखुड़ियों को तोड़ लीजिए। ये देखिए मैंने सारी पंखुड़ियों को तोड़ लिया है। अब हमें इसको क्या करना है, इस सुई धागे में हमें इसको फिरोना है ऐसे ऐसे, पंखुड़ियों को रख के इसमें फिरोते जाना है। ये मैंने सभी फूलों को गूंथ लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना ये कंटेनर खोलना है
अब इसमें आपको ये गुलाब के फूल को इतना खाली रखते हुए ये देखिए ऊपर से इतना नीचे से इतना आपको खाली रखना है 2 इंच। इसके बाद आपको इसके ये जो धागा है इसको ऐसे नीचे लटकाना है। इसके बाद ये आपको ऐसे कस के ये देखिए कस के बंद कर देना है। ये देखिए ये देखिए ये 2 इंच का ये जगह खाली है। इसमें अब आपको करना है इसमें इसे 7 डेज के लिए आपको तेज धूप में रख देना, एकदम सीधा ही आपको रखना है। तो तेज धूप में रखने से ये क्या होगा कि इसमें का जितना सारा अर्क है सब इसमें ये गिर जाएगा गुलाब जल के रूप में। तो आपको यही करना है कि एकदम इसको तेज धूप में ही रखना है। मीडियम धूप में रखेंगे तो ये बहुत कम मात्रा में निकलेगा, जितनी तेज धूप में रखेंगे उतने मतलब ये ज़्यादा मात्रा में गिरेगा उतनी जल्दी बनेगा। 7 डेज के बाद आप जब ये गुलाब के फूल सूख जाएं तभी आप इसमें से हटाना है, इसको निकालना है। देखिए मैंने एक बना के रखा है, ये देखिए मैंने इसको छत पे रखा था 7 डेज तक तेज धूप में। और देखिए ये बनने के बाद जितना भी ये गुलाब का है सारा अर्क ये गिर गया है इसमें। और देखिए मेरा इतना ये गुलाब जल बनके तैयार है। अब मैं इसको इसमें से ये खोल के ये निकाल लेंगी। ये देखिए ये गुलाब इस सूख के गुलाब किस तरह हो गए हैं। आपको जब ऐसे ही गुलाब ये पूरे सूख जाए तभी इसको निकाल के ये आपको हटा देना है और इसको एक कंटेनर में रख लेना है आपको। अब ये देखिए फ्रेंड्स कितना मेरा गुलाब ये बन के एकदम प्योर मार्केट जैसा तैयार हुआ है। अब घर पे बना है तो ये शुद्ध भी है, इसलिए आप भी मैं चाहती हूँ कि आप भी घर पे बनाइए और इसके पूरे बेनिफिट उठाइए शुद्धता की वजह से। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको विधि देखकर, प्राचीन विधि देखकर गुलाब जल बनाने की? फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके फ्रेंड्स जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।